जानिए जुलाई 2021 से हर महीने कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप सभी को आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2021 से मिलने वाला महंगाई भत्ता 28% कन्फर्म हो चुका है और उम्मीद यहां पर यह की जा रही है कि जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता आपका 30 से 31% कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा जैसे कि कहा गया है 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको जनवरी 2021 से मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है 28% वो ही यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई 2021 से बढ़ने वाला जो महंगाई भत्ता है उसकी घोषणा लगभग सितंबर और अक्टूबर के आसपास सरकार के द्वारा हर साल की जाती है। तो इसी की वजह से 28% महंगाई भत्ता आपका यहाँ पर लिया गया है जुलाई 2021 से। और ये पूरी टेबल आपके सामने हमने यहाँ पर बनाई है जिसमें हर एक बेसिक पे का ध्यान रखा गया है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिया गया है आपका सीरियल नंबर, उसके बाद में सेकंड कॉलम में यहाँ पर लिया गया है हर एक ग्रेड पे और लेवल के हिसाब से जो बेसिक यानी कि जो ग्रेड पे और लेवल है उसे यहाँ पर लिया गया है, और उसके बाद में तीसरे कॉलम में यहाँ पर लिया गया है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपकी जो बेसिक पे है वो यहाँ पर ली गई है, और उसके बाद में अगले कॉलम में यहाँ पर लिया गया जुलाई 2019 से जो कि फिलहाल आपको 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है वो यहाँ पर लिया गया। उसके बाद में फिलहाल यहाँ पर जुलाई 2021 से आपके महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी होने वाली है, तो 28% महंगाई भत्ता यहाँ पर कैलकुलेट किया गया। और उसके बाद में दोनों महंगाई भत्ते यानी कि कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर कैलकुलेट की गई है लास्ट कॉलम में, यानी कि इतनी सैलरी आपकी हर महीने बढ़ने वाली है जुलाई 2021 से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो न्यूनतम सैलरी है एक केंद्रीय कर्मचारी की 18,000 रुपये, जिससे कि फिलहाल 3,060 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है, वो यहाँ पर जुलाई 2021 से बढ़कर हो जाएगा 5,040 रुपये। तो यहाँ पर सीधी सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी 1,980 रुपये, यानी कि लगभग 2,000 रुपये की बढ़ोतरी न्यूनतम होने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में, जो कि 18,000 बेसिक पे प्राप्त कर रहा है उसकी में। उसके बाद में हर एक बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर जहाँ का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हर एक जो लेवल है उसकी न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके बाद में जो लेवल वन है उसका लास्ट जो बेसिक पे होता है वो यहाँ पर होता है 56,900, तो उसमें यहाँ पर लगभग हर महीने बढ़ोतरी होने वाली है 6,259 रुपये की। इस तरीके से दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आता है कि जो सेकंड लेवल है लेवल टू और ग्रेड पे 1900, जिसका कि न्यूनतम वेतन यहाँ पर होता है 19,900 रुपये, तो उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है कम से कम 2,189 रुपये की हर महीने। और अधिकतम जो बढ़ोतरी होने वाली है यहाँ पर वो भी आपको दिखा देते हैं, तो जो लेवल टू है उसमें अधिकतम बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है 6,952 रुपये की, क्योंकि उसका जो अधिकतम यहाँ पर बेसिक पे होता है लेवल टू का वो होता है 63,200 रुपये। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर लेवल तीन की, जिसका कि न्यूनतम बेसिक होता है 21,700 रुपये, और उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है हर महीने 2,387 रुपये की, 2,387 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो लेवल थ्री का अधिकतम वेतन है उसमें कितने रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जो लेवल तीन है उसमें अधिकतम बेसिक पे होता है 69,100 रुपये, और यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है 7,601 रुपये की हर महीने, तो आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सैलरी में। दोस्तों आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में जो लेवल चार में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो उनकी न्यूनतम बेसिक पे होती है पर 25,500 रुपये, तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली है 2,805 रुपये हर महीने। और जो लेवल चार में आने वाला केंद्रीय कर्मचारी जिसका कि अधिकतम वेतन यहाँ पर हो सकता है आपका 81,100 रुपये, उसकी सैलरी बढ़ने वाली है यहाँ पर 8,921 रुपये हर महीने। फिर बात आती है यहाँ पर लेवल पाँच में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को जिसका कि न्यूनतम वेतन होता है 29,200 रुपये, उसकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है 3,212 रुपये हर महीने। फिर यहाँ पर लेवल पाँच में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का जो अधिकतम वेतन है वो यहाँ पर होता है 92,300, तो उसकी सैलरी बढ़ने वाली है लगभग यहाँ पर 10,153 रुपये हर महीने। फिर बात आती है यहाँ पर लेवल सिक्स में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की जिनका न्यूनतम वेतन होता है यहाँ पर 35,400 रुपये, उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है 3,894 रुपये, और अधिकतम जो सैलरी बढ़ने वाली है लेवल सिक्स में आने वालों की वो यहाँ पर रहेगी आप देख सकते हैं कि 12,364 रुपये,
जिनका कि अधिकतम वेतन होता है यहाँ पर 1,12,400 रुपये, उनकी सैलरी लगभग 12,364 रुपये बढ़ने वाली है। फिर बात आते हैं लेवल 7 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, जिनका कि न्यूनतम वेतन होता है 44,900 रुपये, उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है लगभग 5,000 रुपये, यानी कि 4,939 रुपये। फिर यहाँ पर जो लेवल 7 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम कितनी बढ़ने वाली है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम जो वेतन है लेवल 7 में वो होता है 1,42,400 रुपये, तो उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है 15,664 रुपये। फिर लेवल 8 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की बात करते हैं, जिनकी न्यूनतम सैलरी यहाँ पर होती है 47,600 रुपये, तो उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है लगभग 5,236 रुपये हर महीने। फिर यहाँ पर जो अधिकतम बेसिक पे है लेवल 8 की, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वो यहाँ पर होती है लगभग 1,51,100 रुपये, और उसकी अधिकतम सैलरी बढ़ने वाली यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है 16,621 रुपये। फिर लेवल 9 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, जिनका कि न्यूनतम बेसिक होता है यहाँ पर 53,100 रुपये, उनका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है 5,841 रुपये, तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। लेवल 9 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का अधिकतम वेतन, जिनका यहाँ पर हो चुका है 1,67,800 रुपये, तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली यहाँ पर 18,458 रुपये। और उसके बाद में जो लेवल 10 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, जिनका कि अधिकतम वेतन यहाँ पर है 1,77,500 रुपये, उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है 19,525 रुपये। तो इस तरीके से ये जो फाइल है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपकी बेसिक पे के हिसाब से कितनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है वो आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यदि हर एक बेसिक पे के बारे में बताया जाएगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेवल 11 की बात करते हैं, तो लेवल 11 में न्यूनतम जो बेसिक सैलरी वो बनती है 67,700 रुपये, तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली है हर महीने 7,447 रुपये। और लेवल 11 में जो अधिकतम बेसिक पे है वो यहाँ पर होती है आपकी 2,08,700 रुपये, तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली है लगभग 22,957 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी। और उसके बाद में लेवल 12 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे यहाँ पर होती है 78,800 रुपये, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है यहाँ पर हर महीने 8,668 रुपये। और लेवल 12 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की जो अधिकतम सैलरी है वो यहाँ पर होती है 2,09,200 रुपये, तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली है यहाँ पर 23,012 रुपये हर महीने। और लेवल 13 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, जिनका न्यूनतम वेतन शुरू होता है 1,23,100 रुपये से, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है हर महीने 13,541 रुपये। और लेवल 13 में ही आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, जिनका कि अधिकतम वेतन यहाँ पर है 2,15,900 रुपये, उनकी सैलरी यहाँ पर हर महीने बढ़ने वाली है 23,749 रुपये। फिर बात करते हैं यहाँ पर लेवल 14 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का, जिनका कि बेसिक पे यहाँ पर है 1,44,200 रुपये, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है यहाँ पर 15,862 रुपये हर महीने 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से। और लेवल 14 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को, जिनका कि अधिकतम वेतन यहाँ पर होता है 2,18,200 रुपये, उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है 24,002 रुपये हर महीने। तो इस तरीके से लेवल 1 से लेकर लेवल 14 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो किसी की भी बेसिक पे के हों, उनकी सैलरी में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, और यहाँ पर लगभग 24,002 रुपये तक की अधिकतम बढ़ोतरी हर महीने देखने को मिलेगी एक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में। और लगभग न्यूनतम यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो 2,000 रुपये, और अधिकतम बढ़ोतरी यहाँ पर लगभग 24,000 रुपये एक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में होने वाली है जुलाई 2021 से। तो काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जानकारी कैसे लें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।